इब्राहिम आप स्क्रीन पे जाओ खुद ही उधर। क्या है लगा पे मोटर सुंदर मासी करते हैं।
वेलकम बैक विद द सेकेंड इनिंग। क्वेटा ग्रीन दूसरी इनिंग का आगाज किया है। 151 रन का ताकुब क्वेटा ग्रीन के लिए है। यहाँ पे फील्डिंग मिस फील्डिंग और चार रन मिल गए हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, अच्छा सा पैक किया लेग साइड की जानेब और स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानेब। स्कोर 22 रन इस चौके के साथ। तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस है और बैटिंग के लिए आसिफ स्ट्राइक कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइक इन पर मौजूद है अवैस। शामीर बॉलिंग कर रहे हैं एक बार फिर और सेम पोजीशन में शॉट के लिए, लेकिन इस वक्त फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन। शामीर वंस अगेन सामना कर रहे हैं अवैस। दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लेग साइड की जानेब भी गेंद वाइट करार दे दिया गया है अंपायर की जानेब से। लाइन और लेंथ पर फोकस करना चाहिए शामीर को और अब स्कोर काफी ज्यादा है। 151 रन का टारगेट मिला है। एक और वाइड डिलीवरी शामीर की जानिब से, बिल्कुल लाइन और लेंथ को बरकरार नहीं कर पाते शामीर। ऑफ साइड की जानिब गेंद को फेंकना चाहिए और मुसलसल बैट्समैन स्क्वायर लेग बाउंड्री को टारगेट कर रहे हैं। शामीर के बॉलर्स बॉलिंग के ऊपर खूबसूरत शॉट, इस बार भी अच्छे से इस्तकबाल किया शॉर्ट पिच डिलीवरी का और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया चार रन के लिए अवैस। बिल्कुल यही कोशिश कर रहे थे पिछले तीन चार गेंदों से, लेकिन एक्स्ट्राज हो रहे थे और बॉल सही तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा था और इस बार चार रन के लिए खेला है। बेहतरीन शॉट अवैस की जानिब से। एक बार फिर वाइड डिलीवरी और क्वेटा ग्रीन अब 151 रन का ताकुब चेस करेंगे। सेकेंड इनिंग का यहाँ पे आगाज़ हो गया है। दो ओवर में 18 रन बनाए थे। तीसरा ओवर इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे 150 का टारगेट दिया है वाइट क्वेटा वाइट की टीम ने और क्वेटा ग्रीन इस वक्त इस मैच में आगे बढ़ रही है।
तीन ओवर के बाद 33 बनाए हैं। चौथे ओवर का यहाँ पे आगाज़ और पहली बॉल यहाँ पे एक्स्ट्रा की सूरत में, तो एक और रन का इजाफा, 34 रन तक पहुँचा स्कोर इस वाइड डिलीवरी के साथ। एक सौ 150 रन के ताकुब में यहाँ पे आगे बढ़ रही है कोटा ग्रीन की टीम। वंस अगेन एक और गोल डिलीवरी और यहाँ पे रन भी मिलेंगे बॉल की सूरत में, तो दो रन मिले हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे, 36 रन तक पहुंचा स्कोर दो रन के साथ। इस बार एक और वाइड डिलीवरी, थर्ड कंसेक्यूटिव वाइड डिलीवरी यहाँ पे पेंकी है। स्कोर 37 पे पहुंचे इस वाइड के साथ। वंस अगेन बार मोहतात अंदाज में खेले हैं, वापस बॉलर की जानेब रन बनाने का मौका नहीं। दो के बाद गोल तो बड़े उनके कैसे गेट में यहाँ पे चौथों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। 41 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 3.3 के बाद 110 रन मजीद चाहिए। दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बड़ी उम्र के से इन्हीं को आगे बिल्ड कर रहे हैं। इस बार हल्का सा पुश किया है मिड ऑन की जानेब, फील्डर वहाँ पे मौजूद, एक रन का मजीद इजाफा स्कोर में 42 इस एक रन के साथ। मलिक अब फेस करेंगे, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इस पांचवी डिलीवरी को सुदेश, हल्का सा पुश किया है इसको स्क्वायर लेग की जानेब, फील्डर आए हैं बाउंड्री लाइन से, एक रन मिले और एक ही पर इत्तेफाक किया है दोनों बल्लेबाजों ने। लास्ट डिलीवरी है चौथे ओवर की, 108 दरकार है 85 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। फुल टॉस और इसको बड़े उम्दे के से यहाँ पे पिक करने में कामयाब हो गए हैं और वहाँ पे वंस अगेन मिस फील्डिंग यहाँ पे हुई है और यकीनी दो रन मिल जाएंगे और उमदा रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। ओवर है देता पजीर चौथा, 4 ओवर के बाद 45 बगैर किसी विकेट के नुकसान पे।
बॉलिंग में यहाँ पे वारा अमिर को यहाँ बुलाया है, अमिर एमल खान को पिछले ओवर में 9 रन दिए थे एमल ने। इस बार डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, एक और एक्स्ट्रा का इजाफा स्कोर में। एक सौ पाँच चाहिए 84 बॉल्स के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। मलिक स्ट्राइक पे मौजूद है। शॉर्ट टर्म में की जाने भी आपसे हल्का सा पूछ के इस बॉल को रन्स बनाने का मौका नहीं। छियालीस सब बगैर किसी विकेट के नुकसान पे वंस अगेन, और यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया है। बेहतरीन बॉलिंग एमल की जानिब से देखने को मिली है और पहली कामयाबी हासिल की है अपनी टीम के लिए। मलिक उवैस आउट हो गए हैं, वापस जा रहे हैं डग आउट की जानिब। तीन बोल्ड हो गए इस बॉल के ऊपर, उमदा बॉलिंग का मुजाहरा एमल की जानिब से। निकोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और यहाँ पे विकेट हासिल की है। लुकमान आए हैं अब बैटिंग करने के लिए। लुकमान आए हैं बैटिंग करने के लिए वन डाउन पोजीशन पे, 46 एक विकेट के नुकसान पे, और एमल ने यहाँ पे कामयाबी दिलाई है अपनी टीम को। बेहतरीन बॉलिंग उनकी जानिब से, वंस अगेन डाउन द लेग साइड और एक और वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। मुसलसल जो है यहाँ पे लेग स्टंप को टारगेट कर रहे हैं एमल, और पिछली बॉल पर वो कामयाब भी हो गए। अमल वंस अगेन सामने मौजूद है लुकमान, फुल टॉस और यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे। अब एज और बॉल थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब चली गई है, 4 रन का इजाफा स्कोर में। काफ़ी पुअर डिलीवरी यहाँ पे पैंक किया, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है लुकमान ने। बड़े उम्दे कैसे इस बॉल को खेले हैं और यहाँ पे और इसके चौके के साथ 50 रन क्वेटा ग्रीन के मुकम्मल हो गए हैं। वंस अगेन गैप में शॉट है और मिस फील्डिंग यहाँ पे फील्डर की जानिब से, एक और चौका। टू बैक फोर्स फ्रॉम द बैट ऑफ लुकमान, दो बॉल फेस किए और दोनों बॉल्स पे यहाँ पे दो चौके लगाने में कामयाब हो गए हैं। स्क्वायर लेके जाने में यहाँ पे शॉट खेले हैं और डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा, एक रन का इजाफा 56 आफ्टर 4.54। जी सर,
लास्ट बॉल है इस पांचवें ओवर की और वंस अगेन फ्लिक किया यहाँ पे, गैप में शॉट है अंदर द बाउंड्री, इस बार आसिफ के बल्ले से चौका, बड़े उम्दे से यहाँ पे इस बॉल का फ़ायदा उठाया है और टाइम मिला उनको, रूम मिला उसको, बड़े भरपूर अंदाज में कट करने में कामयाब हो गए हैं। तो चौके के साथ यहाँ पे अहतमाम पजीर किया इस पांचवें ओवर को, काफ़ी वाइड डिलीवरी थी और अपने बैट का फेस ओपन करके इसको हल्का सा पुश किया है, बॉल थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई है चार रन के लिए। और अहतमाम पजीर हुआ पाँचवा, पाँच ओवर के बाद 60 बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर क्वेटा ग्रीन, मजीद उनको अब 90 रन चाहिए, 91 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे इस बॉल के ऊपर, बड़े उम्दे से इस बॉल को पिक किया है और जो थ्रो किया है यहाँ पे मुइज़ आए हैं बॉलिंग करने के लिए, उनकी पहली गेंद यहाँ पे बॉल को स्वीप किया है और बेहतरीन फील्डिंग एमएल की जानिब से। एक रन का इजाफा स्कोर में 61 एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का आगाज़ यहाँ पे हो गया है, मुइज़ बॉलिंग करने के लिए आए हैं, कद से काफ़ी छोटे हैं लेकिन जिस अंदाज़ से यहाँ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं दाद के मुस्तहिक है, बड़े उम्दा आगाज़। तो देखना है कि विकेट लेने में कामयाब होंगे, बिल्कुल विकेटों की बराबर उनकी कद है और एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, और इस बार जो है इस बॉल को पुश किया है लॉन्ग ऑफ की जानेब, वहाँ पे फील्डर आए हैं और मिड ऑफ पे इस बॉल को कट किया है, एक रन बना और विकेट कीपर से मिस फील्डिंग और इसकी बदौलत यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल कर लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन का मजीद इजाफा स्कोर में 63 एक विकेट के नुकसान पे। वंस अगेन मुइज़ इस बार पुश किया है इसको मिड ऑन की जानेब और यहाँ पे एक रन मिलेगा मजीद, तो एक और रन का इजाफा स्कोर में 64 एक विकेट के नुकसान पे। चार रन दिए मुइज़ ने, लो फुल टॉस डिलीवरी और इसको बड़े उम्दगी से पिक किया है यहाँ पे, चार रन का इजाफा स्कोर में आसिफ के बल्ले से शॉट और इस चौके के साथ वो पहुंचे 30 रन तक। बेहतरीन अंदाज में बॉल को बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से पिक करने में कामयाब हो गए हैं और
30 रन बनाए। आसिफ ने 17 बॉल का सामना किया, 5 चौके उनकी इनिंग में शामिल। वंस अगेन मोइज आए हैं दोबारा, अब लास्ट सेकंड लास्ट डिलीवरी यहाँ पे फेंकेंगे। और मोइज़ काफ़ी छोटे हैं और यहाँ पे यकीनन काफ़ी आगे जाएंगे। हमारी नए ख्वाहिशात हैं उनके साथ यहाँ पे, जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहे हैं आज के इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस, 9 रन दिए हैं अभी तक और कद से काफ़ी छोटे हैं, बिल्कुल अंडर 10 एज हैं और यहाँ पे 10 साल उनकी उम्र है, लेकिन बहुत उम्दा परफेक्ट लाइन और लेन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट डिलीवरी है इस छठे ओवर की और डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से, इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है 70 तक, 1 विकेट के नुकसान पे। मजीद 81 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। वंस अगेन छः ओवर इतम पजीर पावर प्ले के बाद 70 बनाए हैं यहाँ पे क्वेटा ग्रीन की टीम ने, बेहतरीन आगाज़ उनके जानब से आज फराहम किया गया है ओपनिंग जोड़ी की जानब से। और आसिफ स्टिल ग्रीव्स में मौजूद 31 पे बैटिंग कर रहे हैं, 18 बॉल का सामना किया। लुकमान ने 12 रन बनाए, 6 बॉल का सामना किया यहाँ पे, अब उनको मजीद 81 रन चाहिए 72 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। तो देखना है कि ग्रीन यहाँ पे जीते हैं या क्वेटा वाइट्स, दोनों जीत क्वेटा की होगी, क्वेटा अंडर 13 की जीत होगी यहाँ पे। अजीज़ और रहमान बॉलिंग करने के लिए आए हैं, उनकी पहली गेंद को यहाँ पे खेले स्क्वायर लेग की जानिब, 1 रन का इजाफा किया स्कोर में। इस बॉल को मोहतात अंदाज में लुकमान खेले हैं, रन बनाने का मौका नहीं। उत्तवा शॉट खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए और बीट हुए इस बॉल पे, बेहतरीन यहाँ पे काफी टर्न मिला है यहाँ पे अजीज को, 3 बॉलों पे जस्ट ओनली 1 रन दिया है। ने फॉलो थ्रू में यहाँ पे इस बॉल को डिफेंड करेंगे, रन बनाने का मौका नहीं। एक और डॉट डिलीवरी यहाँ पे, थर्ड कंसेक्यूटिव डॉट डिलीवरी फ्रॉम अजीज, और इस वक्त फील्ड प्लेसमेंट पे अगर नज़र दोहराएं तो अब पेश कह रहे हैं बॉल को, फील्डर मौजूद, डाइव ज़रूर लगाई है यहाँ पे और बॉल इस वक्त स्पीच, 1 रन का मजीद इजाफा किया स्कोर में, अच्छी एफर्ट की थी। वंस अगेन और इस बार भी जो है सिंगल मिल जाएगा, 1 रन पे इत्तेफाक किया है। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 7वां, 7 ओवर के बाद 72 1 विकेट के नुकसान पर।
बॉलिंग करने के लिए आए हैं अदनान। 7 ओवर के बाद 73 रन बनाए हैं। क्वेटा ग्रीन ने 1 विकेट के नुकसान पे 78 रन मजीद चाहिए 66 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। मिड ऑन की जाने हल्का सा बॉल को पुश किया लेकिन फील्डर वहां पे तैनात, रन बनाने का मौका नहीं। अदनान वंस अगेन लुकमान स्ट्राइक पे मौजूद है और वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। बैक टू बैक वाइड डिलीवरीज यहां पे पेंकी हैं, एक रन यहां पे मिलेगा इस बॉल के ऊपर। छिहत्तर एक विकेट के नुकसान पे। तीन बॉलों पे 3 रन दिए अदनान ने, 75 अब चाहिए 63 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। अब पिच खेले हैं, उड़ता हुआ शॉट है और फील्डर से कुछ ही फासले पे बॉल ने लैंड किया है सेफली, 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। लास्ट 2 बॉल्स रिमेनिंग इस 8वें ओवर में 77। अब आसिफ वापस आए हैं, डाउन द लेग साइड वंस अगेन एक और वाइड डिलीवरी। मुसलसल एक्स्ट्रा यहां पे पेंक रहे हैं इस ओवर में, इस बार हल्का सा पुश किया है स्क्वायर लेके जाने एंड सर्कल पे इस बॉल को फील्ड किया है एमएल ने और इस बीच 1 रन का मजीद इजाफा किया स्कोर में। ओवर अहतमाम पजीर 8 ओवर के बाद 79 बगैर किसी 1 विकेट के नुकसान। बॉलिंग करने के लिए आए हैं अजीज, हल्का सा पुश किया इस बॉल को वंस अगेन स्क्वायर लेके जाने 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। 80 71 दरकार है 59 बॉल्स के ऊपर।
उठता हुआ शॉट यहाँ पे और चार रन मिल जाएंगे। लुकमान के बैट से ये चौथा चौका। चौरासी एक विकेट के नुकसान पे वंस अगेन और इस बार भी टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम द बैट ऑफ उस्मान। लुकमान के बल्ले से एक और चौका 88 एक विकेट के नुकसान पे। अपेश केले हैं यहाँ पे एक बार फिर और दो फील्डर के बीच में यहाँ पे बॉल गिरी है, एक रन हासिल किया है। 23 पे पहुँचे सिंगल के साथ लुकमान। 89 एक विकेट के नुकसान पे। बासठ चाहिए 55 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 9 ओवर के बाद 90 एक विकेट के नुकसान पे। अदनान अहमद बॉलिंग करने के लिए वंस अगेन दोबारा आए हैं और पहली बॉल पे यहाँ पे चार रन्स कंसीड किए हैं। 57 चाहिए अब 52 बॉल के ऊपर। आसिफ स्ट्राइक पे मौजूद 41 रन्स पे बैटिंग कर रहे हैं। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से 95। मोहतात अंदाज में इस बार बॉल को पुश किया है गली की जानिब और एक रन का मजीद इजाफा किया स्कोर में 96 एक विकेट के नुकसान पे। 55 रन अब बाकी है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों के दरमियान। लुकमान 24 पे पहुंचे जबकि आसिफ 42 पे बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट टू बॉल्स रिमेनिंग है इस ओवर में। 1.4 के बाद 13 दिए अदनान ने। कट किया वंस अगेन यहाँ पे पॉइंट की जानिब एंड बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद थे। पिक किया इस बॉल को एक रन का मजीद इजाफा। 10वें ओवर की लास्ट डिलीवरी स्टिल रिमेनिंग है। कदमों का इस्तेमाल किया पिश केले हैं और मिस फील्डिंग यहाँ पे।
ओवर है तेताम पशीर। 10 ओवर के बाद 99 बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पे। 43 पे बैटिंग कर रहे आसिफ, 30 बॉल का सामना किया, जबकि लुकमान 25 पे बैटिंग कर रहे, 18 बॉल का सामना किया। बॉलिंग में यहाँ पे तब्दीली और बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद उस्मान को बुलाया है। 48 बॉल के ऊपर 52 रन चाहिए। पहली बॉल फुल टॉस डिलीवरी और यहाँ पे एक रन का इजाफा और नो बॉल का इशारा दे दिया अंपायर ने, तो 2 रन मिलेंगे नो बॉल और 1 रन एक्स्ट्रा की सूरत में। इस 2 रन के साथ 100 रन कंप्लीट हो गए हैं। अब 50 चाहिए 48 बॉल के ऊपर। कदमों का इस्तेमाल किया है और फील्डर वहां पे मौजूद और एक बेहतरीन कैच पकड़ के इनिंग का खात्मा किया है आसिफ, और नो बॉल के ऊपर यहां पे कैच पकड़ा है, तो स्टिल वो ग्रीस पे मौजूद होंगे। 2 रन बनाए और तीसरे के लिए यहाँ पे इस बार फील्डर जरूर तैनात है वहां पे, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन मिले हैं। काफी आगे आए थे इस बॉल को खेलने के लिए और बेहतरीन कैच पकड़ा था यहां पे, लेकिन नो बॉल था और नो बॉल की वजह से दोबारा जो है वो ग्रीस पे स्टे करेंगे। 49 पे बैटिंग कर रहे आसिफ और इस सिंगल के साथ यहाँ पे आसिफ ने जो है अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है। बेहतरीन नॉक आसिफ की जानिब से, 33 बॉल पे 7 चौके उनकी इनिंग में शामिल और फर्स्ट टाइम उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने इसको बड़े उम्दगी से अवेल किया। यहाँ पे 50 रन बनाए हैं और अपने पार्टनर ने उनको जो है काफ़ी अप्रिशिएट किया। बेहतरीन बैटिंग आसिफ की जानिब से, आज ग्राउंड के चारों जानिब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आसिफ ने। इस बार लुकमान के बल्ले से शॉट, 4 रन मिले हैं। दोनों बल्लेबाज बड़े उम्दगी से स्कोर को आगे लेके जा रहे हैं। एक 112 एक विकेट के नुकसान पे। Once again another full toss, low full toss delivery और इस बार रन्स नहीं मिलेगा क्योंकि मिड ऑफ पे बिल्कुल एमएल वहाँ पे मौजूद थे, रन्स बनाने का मौका नहीं। 13 रन्स दिए हैं इस ओवर में, लास्ट डिलीवरी है और लास्ट डिलीवरी भी जो है यहाँ पे डॉट रही हुआ रहते तमाम पजीर हुआ 11 के बाद 112 एक विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग करने के लिए आए हैं आसिफ रहमान। फुल टॉस डिलीवरी वंस अगेन, यहाँ पे कैच ड्रॉप कर दिया है, काफी तेज शॉट था और
इसको पिक करने के लिए ज़रूर गए थे, कामयाब नहीं हुए। 39 रन चाहिए 41 बॉल के ऊपर। वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। 113 एक विकेट के नुकसान पे। तो वह शॉट यहाँ पे और बॉल बाउंड्री रोप से इंचेस के फासले पे जो है वो टप्पा खाने के बाद चली गई है। यकीनन अगर थोड़ा सा इस शॉट के ऊपर फोर्स डालते तो यकीनी ये 6 रन मिल जाते। नो फुल टॉस डिलीवरी थी और इसका भरपूर फायदा उठाया है। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 117 एक विकेट के नुकसान पे। और नो बॉल और नो बॉल के साथ यहाँ पे इस बॉल को खेले हैं पॉइंट की जानिब। एक रन का मजीद इजाफा स्कोर में। फ्री हिट अब डिलीवरी होगी और देखने का फ्री हिट का किस तरह फायदा उठाएंगे। कमेंट्री को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इब्राहिम। जी वेलकम टू यू ऑल। 120 रन हो चुके हैं क्वेटा ग्रीन और आसिफ की जानिब से दुआदार बैटिंग। 55 रन पे पहुंच चुके हैं आसिफ। दिफाई अंदाज में खेल दिया आसिफ ने इस गेंद को, कोई रन नहीं बना। और यहाँ पे दाद देनी चाहिए आसिफ को, अंडर 13 के प्लेयर है। यकीनी तौर पर नेक ख्वाहिशात है और हमारी दुआएं उनके साथ के मुस्तकबिल में वो एक अच्छा सितारा बने बलूचिस्तान की जानिब से। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, उठा के खेल रहे हैं स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और यहाँ पे अंपायर का इशारा देखना। 4 रन मजीद मिल गए हैं आसिफ को। खूबसूरत शॉट था। क्वेटा ग्रीन ने अपने हाथों में ले लिया है 27 रन बरकरार 37 गेंदों के ऊपर। और एक्स्ट्रा का इजाफा स्कोर में पर यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, परफॉर्म कर रहे हैं। यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खूबसूरत स्वीप शॉट बेहतरीन आसिफ की जानिब से। बावर 12 ओवर इख्तिताम पजीर। 12 के बाद स्कोर 126 नुकसान पर। बैठ
सिर्फ डिक्लेयर हो चुके हैं, अच्छा इनिंग खेलने के बाद 60 रन बनाने के बाद डिक्लेयर हो चुके हैं और मौका दिया है यहाँ पर एक और यंगस्टर को सैयद फरमान बैटिंग के लिए आए हैं। यकीनी तारीफ की मुस्तक है। और आप लोगों को बताते चलें कि ये अंडर 13 प्लेयर्स का एग्जिबिशन मैच है जो कि मुनक्किद हुआ है बुलान क्रिकेट स्टेडियम क्वेटा कैंट में। पैंतीस रन 13 ओवर के बाद यहाँ पर एमल खान ने एक विकेट हासिल किया है। और बॉलिंग में तब्दीली, यहाँ पर 14 ओवर का खेल जारी। शाज़ेब आए हैं बॉलिंग करने के लिए और अब सामना करें सैयद फरमान। सिंगल लेने में कामयाब तेजी के साथ दोनों बैट्समैनों ने, और यहां पे ओवर थ्रो की शक्ल में 4 रन्स मिलेंगे। विकेट कीपर इस बॉल को पकड़ने में नाकाम और उसके बाद सर्कल में फील्डर भी बॉल को पकड़ने में नाकाम हो गए, तो 5 रन्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। वेलकम बैक, एक बार फिर आरजे आप लोग की खिदमत में हाजिर है। 136 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, क्वेटा ग्रीन चेसिंग 151 और अच्छा आगाज़ यहाँ पे फराम किया है। और अब सिर्फ यहाँ पे 9 रन दूर है अपनी विक्ट्री से क्वेटा ग्रीन। आज अच्छा परफॉर्म किया है आसिफ ने, स्पेशली 60 रन बनाए हैं। एक और फुल टॉस डिलीवरी और गैप में शॉट है यहाँ पे,
एक रन का मजीद इजाफा। लुकमान इस सिंगल के साथ 39 पे पहुंचे। सैयद फरमान जो है 8 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। इस बार अच्छी डिलीवरी पेंक किया बीट हुए बैट्समैन, बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई है। इसके साथ ही ओवर इख्तिताम पजीर 14 के बाद 143 दो विकेटों के नुकसान पे। 8 रन चाहिए मजीद 24 बॉल के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। चौबीस बॉल के ऊपर अब क्वेटा ग्रीन को चाहिए 8 रन। बॉलर बासित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। लुकमान जो है ना वो गया, रिटायर हो गया। और एक और बैट्समैन यहाँ पे रिटायर हो गए हैं, लुकमान को वापस भेजा है। लुकमान की जगह कौन है सर? पहली गेंद यहाँ पे डॉट डिलीवरी रही और लुकमान की जगह अब आयान को यहाँ पे बुलाया है क्योंकि लुकमान ने अच्छी बैटिंग की और अब आयान को अपॉर्चुनिटी दी है क्योंकि 8 रन चाहिए और ये अच्छा एकदम उठाया है क्वेटा ग्रीन के टीम ने। स्ट्राइक पे इस वक्त फरमान और बैटिंग करने के लिए लुकमान की जगह बयान है। दो बैट्समैन को रिटायर किया क्योंकि दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, लुकमान ने भी और आसिफ ने भी। इस बार हल्का सा पुश किया इस बॉल को, एक रन मिलेगा यहाँ पे। अब 7 रन चाहिए 144 दो विकेटों के नुकसान पे। 22 बॉल के ऊपर 7 रन चाहिए। अब आयान सामना कर रहे हैं वाइड डिलीवरी वंस अगेन, तो एक और एक्स्ट्रा का इजाफा स्कोर में। 6 रन बाकी, एक बड़ा शॉट यहां पे अब जो है वो इस बार इस बॉल को केले हैं मिड ऑन की जानेब और सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं दोनों बल्लेबाज। 147 दो विकेटों के नुकसान पे, 5 रन दूर क्वेटा ग्रीन की टीम अपनी विक्ट्री से। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, काफी आगे आए थे और खुशकिस्मत रहे। काफ़ी लो डिलीवरी यहाँ पे और विकेट कीपर इस बॉल को कलेक्ट करने में नाकाम रहे, बॉल विकेटों के पीछे चली गई है। एक रन का मजीद इजाफा स्कोर में, 109 बॉल का इशारा भी मिला है यहाँ पे, तो 2 रन मिलेंगे। अब 2 रन चाहिए अब मजीद। सिंगल बना 149 लॉस ऑफ 2 विकेट। हम सब को खड़ा करके तो बातचीत कर देनी आगा साहब, बच्चों को बैकअप कर देना सब, छोटा सा क्लिप भी कर। हां सब को खड़ा कर दे। अब पिश केले हैं और गैप में शॉट है, एक रन मिल जाएगा। उसके साथ ही स्कोर यहां पे लेवल हो गया है। अब सिर्फ एक रन दूर क्वेटा ग्रीन की टीम अपनी विक्ट्री से। और विनिंग शॉट फरमान जो है स्ट्राइक पे आ गए हैं। और यहाँ पे वाइड डिलीवरी और एक रन भी बनेगा, तो इसके साथ ही कंग्रेचुलेशन क्वेटा ग्रीन के यहाँ पे 15 ओवर में जो है इस मैच को जीतने में कामयाब हो गए हैं और यहाँ पे विक्ट्री हासिल की है। कंग्रेचुलेशन, तमाम टीम ने बेहतरीन एफर्ट की है और
कामयाब हो गए हैं। वंस अगेन एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला है जहाँ पे टॉस जीता था क्वेटा ग्रीन के कैप्टन ने, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और क्वेटा वाइट को बैटिंग की दावत दी थी। क्वेटा वाइट ने मुकर्रर 18 ओवर में 150 रन बनाए थे, 151 का टारगेट दिया था और 15 ओवर में इस टारगेट को अचीव कर लिया। और आज के मैन ऑफ द मैच आसिफ हैं जिन्होंने 60 रन बनाए, 38 बॉल का सामना किया, 9 चौके उन इनिंग में शामिल, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है आसिफ ने। और सारा क्रेडिट जाता है BSL मैनेजमेंट को कि जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन मैच का इनेकाद करवाया अंडर 13 के प्लेयर्स के लिए और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। यहाँ पे उम्दा परफॉर्मेंस उनकी जानिब से देखने को मिली है। कंग्रेचुलेशन तमाम तर प्लेयर्स जिन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली आसिफ, लुकमान, समीर ने आज बॉलिंग में बड़ी उम्दा बॉलिंग की है आज के इस मैच में, तो उनको भी क्रेडिट जाता है, बड़ी बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे इस मैच में परफॉर्मेंस दी है तमाम तर प्लेयर्स ने और सभी को क्रेडिट जाता है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और यहीं से प्लेयर्स को जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यही प्लेयर कल जाके आगे इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो खेलेंगे, जो है बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे अंडर 13 जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, फिर उसके बाद अंडर 16 के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे और फिर अंडर 19 के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करेंगे और फिर जो है नेशनल लेवल पे जो है वो जाएंगे और बलूचिस्तान का नाम रोशन करेंगे। आज अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से देखने को मिली है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल। और इसके साथ ही हम जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ दोबारा आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे और इस मैच में कामयाबी हासिल की है क्वेटा ग्रीन ने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।